सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के एक वचन को हम देखेंगे, लिखा है नीति वचन 24 के 15 में, हे दुष्ट तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ। क्या लिखा है? हे दुष्ट, किसको कहा गया है? जो दुष्ट है, जिसके काम दुष्ट है, उसको कहा गया है, हे दुष्ट तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ। आज कितने लोग हैं धर्मी को गिराना चाहते, ईसाइयों को गिराना चाहते हैं, धर्मी लोगों को गिराना चाहते हैं, नीचे झुकाना चाहते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं, और उसके विश्राम को मत उजाड़, उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। लोग कैसे आज चर्चों को गिरा रहे हैं, धर्मी लोगों को उजाड़ रहे हैं, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया मेरे भाई और बहनों, जितना गिराना गिरा लो, लेकिन धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, ये बात याद रखना। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं, दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं, नाश हो जाते हैं, परंतु धर्मी उठ खड़ा होता है। कि आज परमेश्वर के एक वचन को हम देखेंगे तो नीति वचन 22 के 24 में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण किसमें फंस जाए, फंदे में फंस जाए। देखिए बाइबल क्या हमको बताती है, परमेश्वर कहता है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, ऐसे लोगों के मित्र ना हो जिनके अंदर क्रोध भरा हुआ है, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, ऐसे लोगों के साथ भी मत चलो जिनको ज्यादा क्रोध आता है, एकदम से क्रोध आता है, क्रोधी दोस्तों के मित्र ना बनो। आगे लिखा कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे, क्यों यहाँ परमेश्वर कह रहा है, ताकि तू भी क्रोध करना ना सीख ले, झट से क्रोध करना तेरे अंदर ना आ जाए उनको देखकर। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण किसमें फंस जाए, फंदे में फंस जाए। अगर आप क्रोधी मनुष्य के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली क्रोध आएगा ही, तो इसलिए हमारी जो संगति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई और बहनों। अपनी संगति के द्वारा ही हम चीजें सीखते हैं, अपनी संगति को अच्छा बनाते हैं। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं कहते हैं ना कि परमेश्वर दुख में बहुत करीब लगता है, क्या वो खुशी में करीब नहीं लगता, या दुख में ही करीब लगता है? परंतु वो सदा करीब है, परंतु तुमने उसको दूर किया हुआ है। बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें लोग परमेश्वर के पास तब बैठते हैं जब बाहर वाले उनको धोखा देते हैं। जब बाहर से दिल टूटता है तो परमेश्वर के पास आते हैं, कहते हैं खुदावन तू ही सच्चा है, तू ही प्यार करता है, कोई मुझको नहीं समझता, तू ही केवल समझता है, आगे से मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, मैंने जान लिया आज कोई नहीं है प्रभु तेरे सिवा। परमेश्वर उस समय संभालता है, लेकिन जिसके लिए तुम प्रभु को भी समय नहीं देते थे, जब तुम रो रहे थे उसने भी तुम्हारे आंसू ना पूछे, परंतु उसी खुदावंत ने पूछे। लेकिन कुछ दिनों बाद बाहर वाले सब ठीक हो जाता है, फिर वही चीजें, प्रभु के पास बैठना ही बंद हो जाता है। मत कीजिए ऐसे, परमेश्वर को मत दीजिए धोखा, वो बहुत मोहब्बत करता है, इंतजार करता है आपका, बैठिए उसके साथ।